गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर कॉम्बिनेटोरिक जेम सीरीज। आज इस सीरीज का हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी यार, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एंड इनफेक्ट सिमिलर सा क्वेश्चन IUQM 2022 में, जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड IUQM 2022 में भी एक क्वेश्चन रहा था, जिसमें अगेन नंबर्स को पैटर्न करना था, राइट। नंबर पैटर्न चाहिए था एक। तो आज का जो क्वेश्चन है, जैसा आपने थंबनेल में देखा था, एक टिक टैक टो गेम जो कि बहुत फेमस गेम है, नॉट्स एंड क्रॉसेस के नाम से भी है, काटी जीरो के नाम से भी गेम खेली जाती है, क्रॉस एंड जीरो के नाम से भी खेली जाती है, बहुत फेमस ही गेम है एंड इनफैक्ट वन ऑफ द फेवरेट टाइम पास रहता है स्कूल में बच्चों का फ्री टाइम में, राइट। तो बहुत ही लॉजिकल गेम है ना। आज हम इसी गेम को डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं हमारे आज के कॉम्बिनेटोरिक्स चैनल में, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जेम। तो आज का अपना क्वेश्चन है, कैन द सेकंड प्लेयर फोर्स अ ड्रॉ इन अ 5x5 टिक टैक टो गेम। जनरली जो हम गेम खेलते होते हैं ना, जो स्कूल्स में खेलते हैं या जो स्टैंडर्ड नॉट्स एंड क्रॉसेस वाला गेम है, क्रॉस एंड जीरो वाला गेम है, जो स्टैंडर्ड टिक टैक टो 3x3 वाला गेम है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, सिमिलर रूल्स हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव अ 5x5 ग्रिड, राइट। एक 5x5 का हमारे पास ग्रिड है, जैसे कि यार जो 3x3 का टिक टैक टो गेम है उसमें भी सेकंड प्लेयर कैन गारंटी अ ड्रॉ। सेकंड प्लेयर अगर लॉजिकली खेलेगा, ही और शी कैन ऑलवेज गारंटी अ ड्रॉ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट प्लेयर विल ऑलवेज विन, पॉसिबल नहीं है। अगर सेकंड प्लेयर ढंग से खेलेगा, ही और शी कैन डेफिनेटली गारंटी अ ड्रॉ। सेम फंडा, मतलब बेसिकली सिमिलर क्वेश्चन अब अपना 5x5 के टिक टैक टो गेम के लिए। कैन द सेकेंड प्लेयर फोर्स अ ड्रॉ इन अ 5x5 टिक टैक टो गेम। तो बेसिकली मैं रूल्स बता देता हूँ। इसमें रूल्स क्या होते हैं, जिनको टिक टैक टो गेम के बारे में नहीं पता, दिस इज अ गेम ऑफ टू प्लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा, किसी भी बॉक्स में एक क्रॉस प्लेस करेगा। लेट से मैंने यहाँ पर क्रॉस प्लेस किया, ये फर्स्ट प्लेयर था। लेट से आई एम द फर्स्ट प्लेयर एंड आई प्लेस द क्रॉस ओवर हियर, ठीक है। सेकेंड प्लेयर, व्हाट द सेकेंड प्लेयर विल डू, ही विल प्लेस अ जीरो इन एनी ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर, ठीक है। तो लेट से सेकंड प्लेयर ने यहाँ पर जीरो डाला, ठीक है। अब वापस से फर्स्ट प्लेयर की टर्न है, ही विल पुट अ क्रॉस, सेकंड प्लेयर विल पुट अ जीरो इन एनी ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर्स एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिसका भी पहले, जैसे सेकंड प्लेयर का ऑब्वियसली जीरो वाला काउंट होगा, फर्स्ट प्लेयर का ऑब्वियसली क्रॉस वाला काउंट हो रहा है, ठीक है। जिसका भी पहले किसी भी एक रो में, ठीक है, आइदर इन अ रो और इन अ कॉलम और इन अ डायगनल, जिसके भी पहले किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में या किसी भी डायगनल में, बेसिकली देयर आर टू डायगनल्स, है ना। तो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में या किसी भी डायगनल में अगर कोई प्लेयर अपना सिंबल पूरा करवाता है, सिंबल पूरा करने का मतलब जैसे एक रो में 5 स्क्वायर्स है ना, डायगनल में भी 5 है या कॉलम में भी 5 है, तो किसी भी रो में अगर सेम सिंबल, जैसे अगर फर्स्ट प्लेयर क्रॉस सिंबल लगा रहा है, तो किसी भी रो में सारे स्क्वायर्स उसने क्रॉस से फिल कर दिए, या किसी भी कॉलम में सारे स्क्वायर्स उसने क्रॉस से फिल कर दिए, या किसी भी डायगनल में सारे स्क्वायर उसने क्रॉस से फिल कर दिए, देन ही और शी विल विन द गेम। मतलब जो पहले ये चीज कर देगा, अगर सेकंड प्लेयर ने जीरो कर दिया किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, देन या किसी भी डायगनल में, देन ही और शी विल विन, है ना। अगर फर्स्ट प्लेयर ने क्रॉस कर दिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, देन ही विल विन द गेम, राइट। तो ये गेम का सिनेरियो है। अब क्वेश्चन क्या है, क्या सेकंड प्लेयर डेफिनेटली एक ड्रॉ गारंटी कर सकता है इस पर्टिकुलर टाइप की गेम में, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ना थॉट प्रोसेस हम कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम देखें, आप बता सकते हो कितनी रोज होंगी, हाउ मेनी टोटल रोज आर देयर, कितनी रोज पॉसिबल है, 5 रोज पॉसिबल है। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, सिमिलरली 5 कॉलम्स है। रोज की मैं बात करूं, दिस इज फर्स्ट रो, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड रो, राइट, दिस इज फोर्थ रो, दिस इज फिफ्थ रो। अगर हम कॉलम्स की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, 5 कॉलम्स है, 5 रोज है। हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर, देयर आर टू डायगनल, राइट। वन डायगनल इज दिस वन, जो बेसिकली ऐसे जाएगा, राइट, एंड द अदर डायगनल इज ऑब्वियसली दिस वन, जो बेसिकली ऐसे जाएगा। दीज आर टू डायगनल्स इन ऑल। अपने पास 5 रोज है, 5 कॉलम्स हैं और 2 डायगनल्स। हमें देखना है क्या सेकंड प्लेयर गारंटी कर सकता है कि वो हमेशा ड्रॉ करवा ही देगा। अब इसका क्या मतलब है, ड्रॉ करा देगा या फिर वो जीत जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें हरवाना नहीं है। कैन वी गारंटी कि सेकंड प्लेयर कभी भी ना हारे,
ध्यान से देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो अगर ना यहाँ पे थॉट प्रोसेस हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, क्या आप मुझे सोच के ये बता सकते हो कि जो सेकंड प्लेयर है वो टोटल कितने मूव्स चलेगा, कितने कितनी बार सेकंड प्लेयर की टर्न आएगी? सोच समझ के बताना कितनी बार सेकंड प्लेयर की टर्न आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, 12 टाइम्स, 12 बार उसकी टर्न आएगी। ठीक है, सेकंड प्लेयर 12 बार चलेगा। अब फर्स्ट प्लेयर की 13 टर्न आएगी। ठीक है, 13, फर्स्ट प्लेयर जो है 13 टाइम्स चलेगा, क्योंकि टोटल 25 स्क्वायर से, तो फर्स्ट प्लेयर 13 टाइम्स चलेगा मैक्सिमम सिनेरियो में, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इन सब का सम भी कितना आ रहा है, 12। तो अगर सेकंड प्लेयर ये गारंटी कर ले किसी भी तरीके से, आई डोंट नो कैसे, बट अगर सेकंड प्लेयर ये चीज मैनेज कर ले कि भाई उसके जो 12 मूव्स हैं उससे वो हर एक मूव से बेसिकली एक रो कैंसिल कर रहे हैं, या एक कॉलम कैंसिल कर रहे हैं, या एक डायगनल कर, तो 12 मूव से जो सेकंड प्लेयर के 12 मूव्स हैं, 12 टाइम्स वो टर्न चलेगा, हर 12 टर्न में वो एक डिस्टिंक्ट रो या डिस्टिंक्ट कॉलम या डिस्टिंक्ट डायगनल, इन तीनों में से कोई एक चीज अचीव कर पाएगा अगर, तो हमारी बात बन जाएगी, राइट। तो मतलब सेकंड प्लेयर कैन डेफिनेटली गारंटी अ ड्रॉ। अब इतना चलो समझ में आ रहा है, बट अब इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करें? अब है ना कॉम्बिनेटोरिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ना काफी सारे अलग अलग टाइप के नंबर पैटर्न्स होते हैं, ध्यान से समझना आप। मतलब बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं, सर्कुलर डायगोनल टाइप्स का कंसेप्ट भी रहता है, जो आईओपीएम 2022 के 12th क्वेश्चन में हमने यूज किया था। इसमें भी एक कंसेप्ट रहेगा जिसमें हम बिटवीन एनी टू वी कैन गारंटी वन मूव। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब इसमें इसका है ना बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है, मान लो मैं एक के ना सिंपल सी चीज समझने की कोशिश कर रहा, मान लो मैं रैंडमली कोई भी 2 स्क्वायर्स ले रहा हूँ। मान लो मैंने एक स्क्वायर लिया ये वाला, ठीक है, इसको मैं स्क्वायर ए बोल रहा हूँ, इसको मैं स्क्वायर लेट से बी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड प्लेयर है, क्या मैं बोल सकता हूँ सेकंड प्लेयर ए या बी में से कोई एक स्क्वायर डेफिनेटली लगा पाएगा, मतलब किसी एक स्क्वायर में वो अपना मूव जरूर चल पाएगा? क्या मैंने कोई भी 2 स्क्वायर्स लिए, ठीक है, जैसे मैंने एक तो ये वाला स्क्वायर ले लिया, ए और बी ऐसे नाम रखा हुआ, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। ठीक, चलो मैं ना इसको रीनेम करता हूँ, एक स्क्वायर मैं ले रहा हूँ स्क्वायर एम, और एक मान लो कोई भी रैंडम स्क्वायर एम, ये 2 स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। क्या इन दोनों स्क्वायर्स में से सेकंड प्लेयर ये एंश्योर कर सकते हैं कि इन दोनों स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर में वो अपना मूव चल पाए? बिल्कुल सही है, बिकॉज टर्न बाय टर्न चल रहा है ना। मान लो फर्स्ट प्लेयर ने इनिशियली तो देखो सारा ग्रिड खा लिया, मान लो फर्स्ट प्लेयर ने इसमें अपना मूव चल दिया, मान लो फर्स्ट प्लेयर ने ये क्रॉस कर दिया, तो सेकंड प्लेयर डेफिनेटली, अब ये वाला तो खाली होगा ना, अभी सेकंड प्लेयर की मूव है, टर्न है ना, सेकंड प्लेयर इसमें डेफिनेटली अपना 0 मार्क कर सकता है, राइट। तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, बिटवीन एनी टू फिक्स स्क्वायर सेकंड प्लेयर कैन गारंटी डेफिनेटली वन मूव आउट ऑफ दीज टू। अब इसी कंसेप्ट को अपन आगे लेकर चलेंगे। देखो टोटल 12 मूव्स है सेकंड प्लेयर के पास, ठीक है, तो हम चाहेंगे हर 2 स्क्वायर्स पे वो एक मूव चल पाएगा। ठीक है, तो 12 × 2 = 24, एक मूव फर्स्ट प्लेयर का एक्स्ट्रा बन ही रहे, ठीक है, तो हर मूव में वो एक डिस्टिंक्ट रो या एक डिस्टिंक्ट कॉलम या एक डिस्टिंक्ट डायगनल कवर करे सेकंड प्लेयर। ठीक है, तो अब है ना मैं इसमें इसको नंबरिंग से कैसे करूंगा, अब ध्यान से समझना। जैसे देखो सेंटर वाले स्क्वायर को हम छोड़ते हैं, बिकॉज सेंटर वाले स्क्वायर पे हो सकता है फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट टर्न चल दे, ठीक है, जो कि सबसे सेंसिबल टर्न यही बनती है। तो पहले ना मैं सेंटर के अराउंड का 3x3 वाला स्क्वायर जो है उसको कवर करता हूँ। मान लो मैं ना अभी ना कुछ नंबर लिख रहा हूँ, अब उसका मतलब समझना। जैसे मैंने इन 2 स्क्वायर्स को 1 1 कर दिया, 1 नंबर असाइन कर दिया, अब क्या मैं ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि जो सेकेंड प्लेयर है वो इन दोनों स्क्वायर में है, किसी एक स्क्वायर में डेफिनेटली अपना मूव चल पाएगा? ये हम बोल सकते हैं, अभी मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि 2 में से 1 मूव तो वो पक्के से चल पाएगा ना। ठीक है, अच्छा 1 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 4। अब ध्यान से समझना, जहां पर सेम नंबर है, ठीक है, जैसे लेट से 1 1 यहाँ पर है, इन दोनों में से कोई एक मूव वो चलेगा पक्के से, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉलम बनेगा वो इन दोनों 1 में से कहीं ना कहीं एक सेकंड प्लेयर अपना मूव चलेगा, इसका मतलब फर्स्ट प्लेयर का ये वाला कॉलम नहीं बन पाएगा, समझ पा रहे हो? इन 2 2 में से कोई एक मूव, कोई एक 2 वो डेफिनेटली कर पाएगा सेकंड प्लेयर, तो इसका मतलब ये वाली जो रो होगी वो फर्स्ट प्लेयर कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस रो में
सेकंड प्लेयर डेफिनेटली अपना एक मार्क, यानी कि अपना एक जो भी वो जीरो मार्क कर रहे हैं वो इसको छोड़ पाएगा। सिमिलरली इस थर्ड इस वाले कॉलम में, क्योंकि दो थ्री है, आउट ऑफ टू थ्री एक पोजीशन पे डेफिनेटली सेकंड प्लेयर अपना मार्क कर पाएगा, तो ये कॉलम भी सेकंड फर्स्ट प्लेयर कभी भी इस कॉलम में कंप्लीट क्रॉस, मतलब पांचों के पांचों में क्रॉस नहीं कर पाएगा। सेम फंडा से ये वाली रो भी गई। तो अब देखो आउट ऑफ दीज फोर, अब ध्यान से समझना, वन टू थ्री फोर, अपन ने चार मूव्स करे, मतलब इन दोनों में से दो वन में से कोई एक मूव चलेगा। वो मान लो फर्स्ट प्लेयर ने कुछ नहीं चला तो दोनों वन में से वो कोई एक वन चल देगा, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर सेकंड मूव मान लो सेकंड प्लेयर ने जो मर्जी चला, तो इन दोनों टू में से कोई एक ना एक प्लेस जरूर खाली होगा, तो वो उस पर मार्क करते हो। मान लो वट इफ फर्स्ट प्लेयर ने पहले मूव में टू मार्क कर दिया, टू वाला स्क्वायर क्रॉस कर दिया, तो अब क्योंकि टू वाला एक स्क्वायर क्रॉस हो गया, तो सेकंड प्लेयर क्या करेगा, जो दूसरा स्क्वायर सेम नंबर का अभी क्रॉस नहीं हुआ उस पे वो जीरो कर देगा। अब देखो बेसिकली पॉइंट क्या है, ये अभी मैंने टोटल आठ स्क्वायर्स में मार्क किए हैं जिसमें वो चार मूव डेफिनेटली चल पाएगा, और इन चार नंबर पैटर्न से हम चार अलग अलग रोज या कॉलम्स या डायगनल खत्म कर पा रहे हैं। अब देखो अब इसके बाद अभी भी हमारी, अभी हमने देखो कितने रोज, दो रोज कैंसिल करें, दो कॉलम, स्टिल वी आर लेफ्ट विद थ्री रोज, थ्री कॉलम्स एंड टू डायगनल्स। अब देखो इस डायगनल की बात करता हूँ मैं, इस डायगनल में ये टू और फोर तो डिफरेंट है, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना येलो से लिखता हूँ आगे के नंबर, यहाँ पे मैं फाइव फाइव दे देता हूँ। ऐसा करने से मैंने क्या किया, ऐसा करने से मैंने इसका ये वाला जो डायगनल था, ये वाला डायगनल मैंने फर्स्ट प्लेयर का खत्म कर दिया, मतलब इन दोनों फाइव में से मैं किसी ना किसी एक जगह अपना जीरो जरूर प्लेस कर पाऊंगा, एंड हेंस इस डायगनल में उसका फर्स्ट प्लेयर कभी भी सारे सेम सिंबल अपने सारे पांचों के पांचों क्रॉसेस नहीं लेकर पाए आ पाएगा। सिमिलरली अब हम चलते हैं दूसरे डायगनल पे, यहाँ पे मैं सिक्स सिक्स प्लेस कर देता हूँ। ऐसा करने से मैंने क्या कर दिया, मैंने उसका जो दूसरा डायगनल था वो भी खत्म कर दिया, मतलब अब वो इस डायगनल में भी सेम सिंबल्स पांचों स्क्वायर्स में नहीं कर पाएगा। राइट, नाउ वी आर लेफ्ट विद थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स। ठीक है, अब मैं नंबरिंग फिर से रेड से या लेट से मैं इसे करूँ, नंबरिंग ब्लू से कर देता हूँ। अब देखो इसको मैं पहले इस रो को खत्म करना है, इस कॉलम को खत्म करना है, तो मुझे यहाँ पर सेवन सेवन करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये कॉलम भी मैंने खत्म कर दी। अब अगेन ये कॉलम मैं अगर खत्म करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एट एट करना पड़ेगा, ये भी खत्म कर दिया, बिकॉज आउट ऑफ टू नंबर्स आई कैन डेफिनेटली प्लेस वन जीरो अमंग द टू सेम नंबर्स। अब देखो ये वाला हमें, ये वाला कॉलम अभी भी चाहिए, राइट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नाइन प्लेस कर देता हूँ। ऐसा करने से ये वाला कॉलम भी खत्म कर दिया, ये वाले कॉलम को खत्म करें, इसको टेन टेन प्लेस कर दें, ये वाला कॉलम भी खत्म हो। अब ये वाली रो रहती है फर्स्ट रो, है ना, इसको मैं इलेवन इलेवन प्लेस कर देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट रो भी हमने सेकंड फर्स्ट प्लेयर के लिए खत्म कर दी। ठीक है, अब एक रो रहेगी, यहाँ पे मैं ट्वेल्व ट्वेल्व प्लेस कर देता हूँ, ये वाली रो भी खत्म होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सारे के सारे फाइव रोज हमने कवर कर दी, राइट, क्या फाइव कॉलम्स कवर्ड है, चेक कर सकते हो आप, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के फाइव कॉलम्स कवर्ड है। ठीक है, बोथ डायगनल्स, दोनों के दोनों डायगनल्स कवर्ड है। अब कहानी का मतलब समझना हो क्या रहा है एक्चुअली। अब देखो आपकी स्क्रीन पे मैंने क्या किया, टोटल हमने 24 स्क्वायर्स लिए, 12 नंबर्स को यूज किए, हर नंबर को हमने दो बार यूज किया। ठीक है, अब फंडा क्या है, फर्स्ट प्लेयर की टर्न है, हम सेकंड प्लेयर है, हमारा क्या एम है, हमें फर्स्ट प्लेयर को जीतने नहीं देना, मतलब हमें कहीं ना कहीं, मतलब उसको फर्स्ट प्लेयर के लिए हमें कोई भी ऐसी रो या कोई भी ऐसा कॉलम या कोई भी ऐसा डायगनल नहीं छोड़ना जिसके लिए वो सारे सेम सिंबल क्रॉस बेसिकली लगा पाए। मैं यहाँ पे ना आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, जो फर्स्ट प्लेयर है लेट से वो लगा रहा है क्रॉस, फर्स्ट प्लेयर इज यूजिंग क्रॉस सिंबल, वेयर एज सेकंड प्लेयर इज यूजिंग जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेयर क्रॉस लगा रहा है, सेकंड प्लेयर जीरो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने हर नंबर दो बार यूज किया, तो सेकंड प्लेयर के पास क्या होगा, बिटवीन एनी टू गिवन स्क्वायर, जैसे एट यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इन दोनों आठ में से जहां पर एट एट लिखा हुआ है उनमें से सेकंड प्लेयर डेफिनेटली कहीं एक जीरो लगा सकता है। अब देखो गेम कैसे प्रोसीड करेगी, कैसे सेकंड प्लेयर अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली गारंटी कर सकते हैं ड्रॉ की। फर्स्ट प्लेयर ने मान लो कहीं पर भी
जीरो क्रॉस लगाए, फर्स्ट प्लेयर क्रॉस लगा रहा है, एक तो पॉसिबिलिटी कि वो सेंटर पे क्रॉस लगाए या फिर पॉसिबिलिटी वो किसी नंबर पे क्रॉस लगा रहा है। अगर फर्स्ट प्लेयर ने किसी भी नंबर पे क्रॉस लगाया, अब क्योंकि हमारे पास हर नंबर दो बार आ रहा है, तो जैसे मान लो फर्स्ट प्लेयर ने 9 पे क्रॉस किया, तो हम क्या करेंगे, जहां पर दूसरे वाला 9 है ये वाला, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ऐसा करने से ये वाली रो, ये वाले फर्स्ट कॉलम में वो कभी भी सेम मतलब पांचों के पांचों स्क्वायर्स नहीं लेकर आ पाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेम चीज अब हम कंटिन्यू करते रहेंगे आगे, मतलब जिस भी नंबर पे उसने क्रॉस लगाया तो हम उसके दूसरे नंबर पे 0 लगा देंगे, राइट, ठीक है। व्हाट इफ उसने सेंटर वाले पे क्रॉस कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे यार, अगर उसने सेंटर वाले पे क्रॉस कर दिया तो हम एक स्टेप आगे हैं। बेसिकली हम जैसे मान लो उसका फर्स्ट मूव सेंटर पे क्रॉस कर, तो मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, 1 पे मैंने 0 लगा दिया। अब उसका नेक्स्ट मूव जिस भी नंबर पे आएगा, मैं उसका सेकंड वाला नंबर पे 0 कर दूंगा। बट इफ उसने फर्स्ट पे ही क्रॉस कर दिया, तो मैं अपने जो भी मेरा नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर है उसमें 0 कर दूंगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चीज चलती रहेगी। तो हमारे पास इन हर दो नंबर के अगेंस्ट एक स्क्वायर को 0 लगाने के लिए वी विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। दैट मींस हम हर रो में एंड हर कॉलम में एंड हर डायगोनल में हम अपना एक 0 जरूर प्लेस करना। दैट मींस जो सेकंड प्लेयर होगा वो डेफिनेटली ये गारंटी कर पाएगा कि भैया फर्स्ट प्लेयर कभी भी ना जीते, राइट, ड्रॉ तो वो डेफिनेटली कर पाएगा। अगर फर्स्ट प्लेयर ने कुछ बेवकूफी की तो ऑब्वियसली सेकंड प्लेयर जीत भी सकता है, राइट। तो टिक टेक टो गेम में 5x5 के फर्स्ट प्लेयर जरूरी नहीं है हमेशा जीतेगा, सेकंड प्लेयर कैन डेफिनेटली गारंटी अ ड्रॉ। समझ में आया? एंड दिस इज द नंबर पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पैटर्न है ये, इसको ध्यान रखना आगे भी एक। एंड इनफैक्ट सेम नंबर पैटर्न आप 3x3 में नहीं कर पाओगे। 3x3 टिक टेक टो गेम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम लिविंग फॉर यू एज अ होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। 3x3 में आपको खुद सोचना है कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी होगी, बट अगेन 3x3 में भी सेकंड प्लेयर कैन गारंटी अ ड्रॉ डेफिनेटली, राइट। चलो, तो आई होप आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा यार आपको, आगे भी हम ऐसे सेशंस करेंगे, राइट, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग से हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में जरूर आ गया हो। थैंक यू ऑल, आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट येस, देर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। RMO बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6th ऑफ मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या PRMO के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 days a week ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूजडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM टू 8 PM शाम में टाइम होता है। एंड इनकेस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर स्केड्यूल, और अगर आप इनकेस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इनकेस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है, अगेन मतलब जो अभी 6th of March 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपियर हुए हो, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule hai every Saturday, minimum 2 hours ka hamara ek session hota hai, 6:30 PM to 8 PM, right? And again, isme bhi after every 15 days, you'll get test. Enroll kaise hona hai? Niche description mein bhi ek Google form ka link diya hua hai, theek hai? Yahan aapki screen par bhi Google form hai, description mein bhi link diya hua hai, aap us link ko press karke Google form par ja sakte ho, us Google form mein details fill up karo apni, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी, माय ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट।
एंड देर इज अ बैच फॉर प्रियारेमा ऑल्सो, प्रियारेमा प्राइम बैच है ये, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्रियारेमा की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रियारेमा, प्रियारेमा तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 डेज। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा विद इन 24 आवर्स, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं, मैं लिख देता हूँ बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, ये चार दिन इनकी क्लासेस है, टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल, कोई भी बच्चा जो अभी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुजियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये बैच वैसे 9000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट इट एंड गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।